कैसे हो मेरे दोस्तों भाई, सारे भाइयों को राम राम। और ये रखे हमारे हेलमेट, ये हेलमेट रखे हुए हैं और बाइक हो गई है रेडी। आज मैं श्रुति के साथ बाइक राइड पे जा रहा हूँ। हम जा रहे हैं, रास्ता तुम खुद देख लेना, बता देना कहाँ जा रहे हैं। और अभी मैं इसको करने वाला हूँ कोल्ड स्टार्ट। बाइक और मैं बैठूंगा पीछे, ठीक है। हेलमेट पहनो अपना। हो गए शुरुआती यार। और क्या, हेलमेट तो पहननी ही पड़ेगी। मुझे जब भी डर लगता है ना, जितनी सुंदर बन के आई है ना अभी, उतनी इसका भूत बनने वाला। दिखाना शक्ल तो दिखा दे तेरी, बिफोर आफ्टर डालो। मुझे जब भी डर लगता है मैं काले कपड़े पहन के आती हूँ। खुद दिया है मैंने स्टील बर्ड का थर्ड क्लास हेलमेट, खुद मैंने दूसरा पहना है। हाँ तो मेरे पास एक्स्ट्रा नहीं है ना, तो मैं गंदा क्यों पहनूंगी। पहनो पहनो पहनो, जल्दी पहनो फटाफट, फिर निकलेंगे यार, हम लेट हो रहे हैं ऑलरेडी। पर इसमें सांस नहीं आती यार, इसको हेलमेट में सांस नहीं आ रही, सुन लो। जबकि ये बिल्कुल कुछ है नहीं इसके हेलमेट के अंदर। ये नीचे कर इसको, खोलो, यहाँ से खुलता है। वाह सुखी, Let us take a selfie. सच में घर। So guys, it's my second ride इस सुपर बाइक पे और फर्स्ट का एक्सपीरियंस ओके ओके था। और मैं कोशिश करूँगी मैं रिएक्शन नोट कर पाऊँ लोगों के, पहले तो मैं खुद को संभाल लूँ। Guys, तुषार बोलना चाह रहा है कि लोग बाइक को देख रहे हैं या मुझे देख रहे हैं, तो मैं रिएक्शन नहीं नोट कर पा रही हूँ। तभी तो मैंने आपको हेलमेट बना डाल कर इसको। तो अब हम निकल चुके हैं घर से, आप थोड़ा मजा करो रिएक्शन का। बाकी आज हम माइक यूज नहीं कर रहे तो पता नहीं कैसी आवाज आएगी, बट मैं रेव कर रहा हूँ तो कुछ नहीं बोल रहा, स्लो चला रहा हूँ तो बोल पा रहा हूँ। ओ भाई कितने गैप में निकाल रहा, सही बताओ ना तो अकेले चलाने में जो मजा है वो किसी चीज में नहीं है, ये सच है। अब आप मुझे एक बार जरा गूगल मैप्स पर रास्ता देख के बता दो हमें किस साइड से निकलना चाहिए। आई थिंक जो तो हमें राइट लेना चाहिए फिर लेफ्ट लेना चाहिए। ये मौत के हैं, ये मरवाते हैं लोगों को। इस बंदे ने क्या लगा रखा भाई, इतना गार्ड फॉर्च्यूनर के पीछे, लाइट भी गार्ड भी। हाँ धूप बहुत है, गर्मी बहुत है। अभी पीछे आप बैठे हो इसलिए मैं धीरे चला रहा हूँ, और मतलब थोड़ा सा ना रुक के भी चला रहा हूँ। अगर ज़्यादा तेज पिकअप लूँगा तो हो सकता है पीछे ही रह जाऊँ। पेट्रोल कहाँ से डलवाएं यार, आगे वाले पेट्रोल पंप से डलवाएंगे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ गलत लड़कों से और फिर वो अपना पढ़ लेगी। नहीं यार, लोकल एरिया से निकलना ही सबसे बड़ा टास्क है अपने लिए। यहाँ से निकल जाएंगे ना तो ही आगे कहीं पहुँच पाएंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा दिक्कत बाइक चलाने में यही आती है। बार बार क्लच गियर ब्रेक रेस यहीं सबसे ज़्यादा होती है भाई, बट रिएक्शन भी यहीं आते हैं, सारे रिएक्शन यहीं आएंगे। मैं कह रहा हूँ पापा को बोलो ये गाड़ी बहुत चल रही है, मार्केट में डिमांड है इसकी।
हेलमेट बंद कर लो वरना पता चल जाएगा। वाओ ब्यूटी, हेलमेट रोड पे आप देखो, मतलब बाइक वालों की कोई ज्यादा इज्जत होती नहीं है, गाड़ी वाले कहीं भी मोड़ सकते हैं। गाली बग दी है, मेरा मन कर रहा है यहाँ से जल्दी निकल जाए। चलो भाई हम निकल चुके हैं अपने यात्रा पे। अंकल जल्दी हट जाओ वरना पैसे लेके भाग जाऊंगा, जल्दी हट जाओ। भैया निकाल तो नहीं रहे ना, अभी निकाल तो नहीं रहे, उल्टी करके लगा देता हूँ यार। आपको असलियत दिखाना चाहते हो इसलिए मैंने हेलमेट उतार दी अपना, पहले हुलिया ठीक नहीं किया, पहले सोचा आपको दिखा दूँ और इसका देख लो। अरे मैंने देखो क्या क्या हो गया मेरे साथ, मैं हेलमेट नहीं उतार हुआ। हेलमेट उतारो, आपको मेरी कसम है हेलमेट उतारो, मैंने दिखाया ना। तुषार आपको मेरी कसम, पहले दिखाओ, इधर देखो। इसके बाद अब तो ठीक कर लिए, और ये देखो ये तो पूरा ही रेडी होके आया था। मैंने भी पहने हैं शूज, बट तुषार बहुत गर्म हो गया था तो ठंडा होने आया यहाँ पे। ये लो जल्दी, मेरा ये बर्फ भी डाली क्या, स्ट्रॉ भी दे दो, स्ट्रॉ नहीं है, कहता है इसलिए दिमाग गर्म होना, एक्सपोजर कम हो जा। आप ही के फोन में आ रहा है, नया फोन लेने का टाइम आ गया। दिला रहे हो आप, दिलाओगे मुझे, दिला रहे हो ये आपको। वैसे गाइस छोटा सा क्ल्यू आपके लिए, क्योंकि तुषार का बर्थडे आ गया है तो आपको एक सरप्राइज मिलने वाला है। बहुत टाइम से हम वैसे ही ऑन ऑफ चल रहे थे व्लॉग्स में, बर्थडे मेरा है, बर्थडे आपका तो सरप्राइज तो इनको मिलेगा, तो मुझे क्या मिलेगा ठल्लू। मतलब मेरा बर्थडे नहीं है क्या, तो आप ही की जनता है ना, बात है। कितनी सेक्सी लग रही है भाई, इतनी हैवी लग रही है ना, बहुत तो लेट हो गया। खान पान करके एक स्टॉप लेके राइडिंग के लिए शुरू। हेलमेट बांधना बड़ा मुश्किल है पता, वो सब तो ठीक है, पर तुषार आपको शर्म नहीं मुझे ये हेलमेट देते हुए, बिल्कुल भी नहीं आ रही मुझे ये पहन के बैठते हुए
ऐसा गरीब फील हो रहा है। आपके शीशे में मैं पूरी दिख रही हूँ। वाओ, मम्मी का फोन आ गया। कच्चा मैंगो। ये है मेरा 1 लाख का हेलमेट। शर्म आनी चाहिए, हंस रहे हो। गाइस, अगर आप इस बाइक पे चल रहे हो ना, आपको बीच में एक या दो स्टॉप तो लेने लेने पड़ेंगे। बेटा वाह, भैया तो भैया को बहुत आ गई बाइक पसंद। भैया कह रहे हैं 1 नंबर बाइक है। हर जगह जाम है, कैसे निकले इस जाम से? इतना जाम क्या बताऊं, हालत टाइट हो गई बाइक पे जाम में। और ऊपर से इतनी मोटी जैकेट बूट पहन रखे है ना, जल रहा हूँ अंदर से। किसी ने भी कैमरा देख लिया तो वो बंद करा देंगे। खोल दो, चलो हटो। हैव अ लुक लाइव शक्ल पे। वाह, कितनी सुंदर लग रही हूँ मैं। सो गाइस, हमारे दर्शन हो चुके हैं बहुत ही अच्छे गुरु जी के। तुषार रेडी होता हुआ जाने के लिए, और लाइट बहुत ज़्यादा है इसलिए आपको शिवलिंग दिख नहीं रहा, वरना इस टाइम पर बहुत ही प्यारा शिवलिंग दिखता है गुरु जी का। आप भी कर लो, दूर से ही कर लो, बट आप भी कर लो दर्शन। गुरुजी आपको भी ब्लेस करे। दिन से ज्यादा मजा रात की राइड में आ रहा है। मच्छरदानी की दुकान जिसके घर में मच्छर स्कूटी ले जाए, सारे मच्छर मार देगी। इसमें से बिल्कुल वो वाली स्मेल आ रही है जो मच्छरों को मारती है।
इंजन सीज होने वाला है स्कूटी का। आप उधर जाना, पीछे चल रहे हो, लो निकल जाते हैं। तो अब हम पहुंच गए हैं श्रुति के घर के पास। श्रुति को क्या हो गया भाई, उल्टी आ रही है क्या? मुझे खड़े होने में प्रॉब्लम। सो अब हमने कर लिया है आज का जो हमने टूर करा था, शॉर्ट टूर, श्रुति को अब टेस्ट करने के लिए कि श्रुति बाइक राइड पे जा सकती है या नहीं जा सकती। एक से आधे से एक घंटे की राइड पे जा सकती हूँ, उससे मैक्स नहीं जा सकती, मेरे खड़े होने की क्षमता खत्म हो गई है। सो गाइस फाइनली वी आर गोइंग होम, ये अपने घर उतर चुकी है, अब मैं जा रहा हूँ अपने घर। सो मिलते हैं जल्दी नए ब्लॉग के साथ, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आप सब्सक्राइब करोगे तो हमारी मोटिवेशन बढ़ती है, और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और बेल आइकन का जो बटन है उस पर टंग टंग कर दें। ओके श्रुति बाय, मेरे को छोड़ के जा रहा है तुषार, हेलमेट भी छोड़ के जा रहा है अपना घटिया सा। बाय।